सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे देश भर की निगाहें थी और 15 मजदूर अब तक सिलक्यारा टनल से निकाल लिए गए, 15 मजदूर निकाल लिए गए। सबसे बड़ी ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द जो 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, और आज वो शुभ घड़ी आ गई है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, पंकज पवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आलोक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। आलोक, आप पंकज आपसे वो पूरा प्रोसेस भी समझना चाहेंगे जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि देश भर की निगाहें इस बड़ी खबर पर बनी हुई थी और देखिए आज का दिन बहुत बड़ी सफलता भरा वाला दिन कहा जा सकता है, पूरा प्रोसेस आप जानेंगे। स्वाति, अब हमारी लगातार बात होती रही इस पूरे 16-17 दिनों में और हमने वो तमाम चीजों को जिया है जिसमें हम इस बात को लेकर खुश थे कि 12वें दिन जो है वो तमाम लोग बाहर निकल आएंगे, लेकिन हम इस बात के भी निराश हुए कि 12वें दिन में शाम को जिस तरीके की खबर आई कि अभी जो है वहां पर अड़चन आ गई, लेकिन आज वो दिन नहीं है, आज तो वो खुशी का दिन है जिसमें सबके चेहरों पर खुशी होगी, मेरे चेहरे पे भी होगी और आपके चेहरे पे होगी और जो तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनके चेहरे पे भी, क्योंकि अंदर 41 लोगों के फंसे होने का मतलब समझ सकते हैं कि उनके वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे थे और उन तमाम लोगों को 15 लोगों को बाहर निकालना शुरू हो गया। जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा था कि उन तमाम लोगों को लगभग 15 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, 16वें को बाहर निकाला जा रहा है और इन तमाम लोगों को एक्लिमेटाइज किया जाएगा, क्योंकि अंदर का जो सुरंग थी वो लगभग 30 से 35 डिग्री का उसका उसमें गर्मी का महसूस वो कर रहे थे, और क्योंकि बाहर जो है वो इतनी ठंड है लगभग 10 डिग्री से भी कम का जो मौसम है वहां पर ठंड बढ़ी हुई है, तो इन तमाम चीजों में एकदम से उनको सुरंग से बाहर लाकर एक जगह से लाकर दूसरी जगह उनकी बीमारी की तरफ उनको धकेलना वो ठीक नहीं है, इसलिए एक्लिमेटाइज उनको किया जा रहा है, वहीं पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो उनका परीक्षण कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो तमाम जो उनके बैग्स हैं वो उनको दिए गए हैं, उसके साथ साथ उनको जो न्यूट्रिशनल जो चीजें थी चाहे जूस हैं तमाम चीजें उनको दी जा रही हैं, हो सकता है कि टनल के अंदर ही उनका दिन का खाना भी अभी सर्व कर दिया जाए, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन ये अपने आप 15 मजदूर निकाले जा चुके हैं, अभी और भी मजदूरों को निकालना बाकी है, तो शायद अभी शाम का वक्त लग जाए, 26 मजदूरों को निकालना अभी बाकी है, तो शायद इसी तरह से पूरा प्रोसेस हो, पहले उनको निकाला जाएगा फिर उसके बाद उनको एक एस्केप टनल में थोड़ी देर रखा जाएगा, उसके बाद ही वो पूरी तरह से बाहर के टेम्परेचर में आ पाएंगे। बिल्कुल 100% ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम अगर एक ऐसे मौसम से दूसरे मौसम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियों का हम दावत देते हुए नजर आते हैं, हमने इतना उनको बचाकर और तमाम चीजें वो करते हुए उनको लेके आए हैं, उनकी तमाम जान वो बचाई है जो तमाम लोगों ने और जो तमाम एजेंसियां वहां पर लगी हुई थी, ऐसे में वो तमाम चीजें अभी वो कर चाहे एहतियात वो बरत लेना चाहते हैं जिसके बाद उनको चिन्याली के जो अस्पताल है वहां पे ले जाया जाएगा। बिल्कुल पंकज, आप वहां की भी जानकारी दे रहे कि वहां हर एक चीज पूरी तरह से अपडेटेड है, किसी भी एक कहा जा सकता है एक मिनट की जो लापरवाही है, एक मिनट की चूक है, वो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से व्यवस्था है, चौक चौबंद है, और जो तस्वीरें हैं दिख रहा है कि कितनी ज्यादा हलचल है वहां पर, हर एक व्यक्ति कितनी जल्दबाजी में इस वक्त। पंकज देखिए स्वाति, मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर जो तमाम चिकित्सीय जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, एम्बुलेंस अलग अलग तरीके की वहां पर रखी गई है, एक जो वहां पर बेसिक एम्यूनिटीज के साथ हैं जिसमें केवल ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, दूसरी जो हाईली इक्विप्ड होगी जिसमें चाहे ECG हो चाहे हर तरीके की चीजें जो है वहां पर उसमें रखी गई है, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम चीजें होंगी, वेंटिलेटर और तमाम चीजों की व्यवस्था की गई, तीसरा जो कार्डियक जो उससे जुड़ी हुई और उससे युक्त जो एम्बुलेंस है वो वहां पर मौजूद है, ऐसी वहां पर लगभग कई एम्बुलेंसें खड़ी हैं और तीन जो हैं वो अंदर भेजी गई हैं, उनके माध्यम से तमाम लोगों का जैसे जैसे परीक्षण होता जाएगा उन एम्बुलेंसों के माध्यम से, और क्योंकि एक्मेटाइज वो थोड़ी देर हो जाएंगे तो उनके बाद उनको जो है वो चिन्यारी स्वर्ण के अस्पताल में भेजा जाएगा, वहां पर लगभग 41 बेड पूरी तरीके से रखे गए हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो तमाम चिकित्सक हैं उनको
उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नजर आती हैं तो उसका इलाज वहां पर किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए इन तमाम चीजों के इतर ये शाबाशी तो उन लोगों के लिए है जो लगभग इतने दिनों फंसे रहे वहां पर, उसके बाद किस तरीके से जद्दोजहद की, अपनी जिंदगी के एक एक सांसों से वो पूरी तरह से लड़ते रहे, कितना बड़ा संघर्ष, इसको कहा जाएगा कि एक योद्धा के तौर पर उन्होंने इस तरह से संघर्ष किया। पंकज बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ, ये उनकी मानसिक मजबूती है कि आखिरकार उन्होंने ये तमाम चीजों में, हालांकि एक 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 दो दिनों में बीच में उनमें अधीरता जरूर आ रही थी, हो सकता है जो मैच्योर नहीं थे, जो 20 साल के उनमें से 21 साल के जो युवा रहे हों उनमें थोड़ा डर नजर आया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों में काम होकर उन्होंने पूरा उसमें सपोर्ट किया है। 17वें दिन में ही सही, लेकिन वो सुरक्षित बाहर निकले, और जैसा मैं थाईलैंड के एक जो टनल रेस्क्यू का जिक्र कर रहा था, 18वें दिन में जाकर उसमें लगभग 41 से 42 बच्चों को बाहर निकाला गया था उसमें, लेकिन एक उसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी, लेकिन ये पहला होगा उत्तराखंड के इतिहास में जिसमें एक जान भी नहीं गई है और तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। भले ही समय लगा, भले ही लेट हुआ, भले ही तमाम कॉम्प्लिकेशन आई, भले ही तमाम मशीनें टूटी, कहावत है ना जो पूरी तरह से इस पर चरितार्थ है कि देर आए दुरुस्त आए, और हम देर गए वहां पर दुरुस्त तरीके से पहुंचे और दुरुस्त तरीके से उन मजदूरों को उनके परिजनों तक पहुंचाएंगे। परिजनों के लिए बहुत बड़ी सुख की घड़ी होगी आलोक ये, क्योंकि परिजनों को भी एक लंबा इंतजार करना पड़ा, सभी की आंखें नम थी, देश भर इस महाकवरेज पर लगा हुआ था कि कब मजदूर निकल कर आए। आज तो उनके लिए होली दिवाली सभी कुछ होगा। जी जी बिल्कुल, देखिए परिजनों के लिए भी एक लंबी घड़ी का इंतजार था, 17 दिन से ये वहां पे फंसे हुए थे और 2 से 3 दिन में ही परिजन वहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। लगातार वो भी गुहार लगा रहे थे सरकार से कि इन सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए जल्द से जल्द, और 15 दिन से वो भी वहां पर टिके हुए हैं परिजन, तो उनके लिए भी एक लंबी घड़ी का इंतजार था। और अब जाके जब श्रमिक यहां से बाहर निकले हैं तो परिजनों के लिए भी एक खुशखबरी है, वो भी काफी उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं, और सरकार को और केंद्र सरकार को SDR तो खुशहाली करेंगे ना, खाली हम बेसे बेस के हमारा बेटा खाली निकल जाए वहां से, और हम बेटा के खाली मुंह देखो और साथ में घर आ जाए, बस बेटा जैसे आएगा तैसे हम खुश के खुबारी के हम लोग खिलाएंगे। अभी नहीं बताए हैं, अभी नहीं बताए हैं। और देखिए परिजनों की भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल कर आ रही है, जिस तरीके से 12 तारीख से दिवाली की दिवाली में ये लोग सुरंग में फंसे हुए हैं, तब से परिजनों के अंदर समझा जा सकता है कि क्या मनोदशा होगी उनके परिजनों की, माओं का क्या हाल होगा, पत्नियों का क्या हाल होगा, भाई बहनों का क्या हाल होगा, पिता का क्या हाल होगा। और प्रतिक्रिया जिस तरीके से निकल, एक निराशा भी चेहरे पर दिख रही है, जब तक उनका व्यक्ति सामने नहीं आ जाएगा तब तक कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से ये खुशी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक अब तो प्रतिक्रियाएं भी वहां से निकल कर सामने आ चुकी हैं, परिजन अब पूरी तरह से उनको लग रहा है कि उनके परिजन अब कुछ ही देर बाद उनसे मिल पाएंगे, मुलाकात हो पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, सभी लगभग 16 मजदूरों को यहां से बाहर निकाला जा चुका है, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल उन्हें वहीं पर रखा गया है रेस्टिंग पोजीशन में, पहले उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, साथ ही परिजनों से भी उनकी मुलाकात की जाएगी जो कि पिछले 12 से 13 दिनों से वहां पर इन सभी लोगों का इंतजार कर रहे हैं, वो भी वहां पर फंसे हुए हैं एक तरीके से, और लगातार सरकार से वो गुहार लगा रहे थे कि जल्द से जल्द इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाए ताकि वो भी अपने परिवार के लोगों को देख सके। तो कहीं ना कहीं अब एक जो घड़ी सामने आई है जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है, 16 मजदूर भी बाहर आ चुके हैं, तो जैसे ही ये जिला अस्पताल पहुंचेंगे और जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएंगे तो परिजनों से भी इनकी मुलाकात की जाएगी। सभी काफी उत्साहित है, उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड काफी उत्साहित है क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला ये सिलक्यारा टनल का था, 17 दिन से मजदूर फंसे हुए थे, देश विदेश की निगाह इस पे टिकी हुई थी, तो कहीं ना कहीं सबके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त देखने को मिल रही है। आलोक जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है उससे यह पूरी तरीके से दिख रहा है और कितनी आपाधापी है इस वक्त जहां पर रेस्क्यू हो रहा है वो समझा जा सकता है, डॉक्टर्स की टीम है, तमाम एम्बुलेंस है, मीडिया का जमावड़ा है इस नेशनल कवरेज पर। जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि पिछले 17 दिन से लगातार SDRF, NDRF, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया की सभी टीमें वहां पर मौके पर मौजूद थी,
और ये कोशिश सभी कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। हालांकि अब 17 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, तो काफी उत्साह सबके मन में ही है, सारी टीमों के मन में भी काफी उत्साह है। जितनी वहां पर मौजूद है SDRF NDRF, उनकी भी मेहनत को आज सफलता हाथ लगी है और 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन आज मजदूरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से है और सभी की इस निगाहें इस पर टिकी हुई थी, और देखने वाली बात यही है कि 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज किसी ना किसी तरह इन मजदूरों को बाहर रेस्क्यू किया गया है। जी बिल्कुल, तो मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा रहा है और